नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो दोस्तों, आज हम आपको एल लेटर से सबसे आसान तरीके से कमल का फूल बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप पेज के बीचों बीच में एक एल लेटर इस तरह लिखना होगा, नीचे सीधी लाइन में ड्रॉ करिएगा, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिए, फिर इसको हमें हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ाना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दीजिएगा, फिर यहाँ से आप ऐसे नीचे के साइड में मिला देंगे। नीचे के साइड में जो है ये हमारा हाफ सर्किल है, इधर से आपको एक लीप्स बनाना होगा। फिर आपको एक छोटा सा यहाँ पे हाफ सर्किल बनाइए, एक यहाँ पे बना दीजिएगा। पूरा हाफ सर्किल नहीं बनाना है, आपको छोटे छोटे आर्क बनाने हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए अंदर की तरफ यहाँ पे हाफ सर्किल बना दीजिए। इसी तरह सेम प्रोसेस अंदर की तरफ करते हुए आप इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों, आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे कुछ कमल की पंखुड़ियाँ बनाना है। एक पंखुड़ी आप इधर बना दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा यहाँ पे बनाइए, फिर इसको हमें अंदर की तरफ करना होगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारा गुलाब का फूल बनने वाला है। यहाँ पे आप ऐसे छोटे छोटे हाफ सर्किल इसको अंदर की तरफ यहाँ बढ़ा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे जो है छोटे छोटे पॉइंट लगाने होंगे। पॉइंट लगाने के बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। और आपका कोई भी सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर भी आपको कुछ कमल की पत्तियाँ बनाना होगा। पत्तियाँ बनाने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम और नीचे की तरफ कर देंगे। यहाँ पर आप बहुत ही सावधानीपूर्वक वाटर बना दीजिएगा, इसको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, अब हम कमल के फूल को पेंसिल की हेल्प से शेड देना शुरू करते हैं।